नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारे पास है वीवो का V19 न्यूली लॉन्च हुआ मॉडल। और आप देख सकते हैं बॉक्स कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर जो कलर डिज़ाइन दिया हुआ है मॉडल का, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का भी आइकॉन दबा दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बॉक्स की। तो बॉक्स पे यहाँ पे आपको वीवो का ब्रांडिंग मिल जाएगा और बॉक्स ब्लैक कलर में है। और ऊपर जो मोबाइल का शेप का दिया हुआ है फोटो, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नीचे भी आपको V19 जो मॉडल नंबर है वो देखने को मिलेगा। साइड में आपको IPL का लोगो भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे वीवो के साथ। और बैकग्राउंड में उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और मोबाइल के फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों फटाफट करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता ओपन है। करते हैं दोस्तों फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमको देखने को मिल जाता है मोबाइल का कवर और चार्जिंग केबल, और साथ में देखने को मिल जाता है एक पिन इंजेक्टर टूल और कुछ मैनुअल्स साथ में, और तो कुछ नहीं है। इसको रखते हैं साइड में। और नीचे जो हमको दोस्तों मिल जाता है देखने के लिए, वो रहता है हमारा फ़ोन, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसको अभी भी रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर। दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको एक हेडफोन भी देखने को मिल जाता है 3.5 mm जैक के साथ। और दूसरा जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे चार्जिंग का, आपको वीवो का चार्जर, जो चार्जर का आपको देखने को मिलेगा जो है फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन के साथ। मतलब ये मोबाइल जो है दोस्तों आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वीवो फास्ट चार्जिंग 33 वोल्ट के साथ आता है। और देख सकते हैं दोस्तों ये जो बॉक्स है इस पे लिखा हुआ है वीवो मेक इन इंडिया। तो इस सबको रखते हैं साइड में और ओपन करते हैं हमारा मोबाइल। हाथ में जो मोबाइल है उसका कलर है मैजेटिक सिल्वर, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कलर वाइज तो मोबाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है, शाइन आ रहा है। तो देखने में तो मोबाइल बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीवो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ऊपर कैमरे का सेटअप है और ओवरऑल मोबाइल देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मोबाइल को करते हैं फटाफट ऑन और देखते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों जैसे अब तक मोबाइल ऑन हो रहा है, तब तक बात कर लेते हैं हम इसके हार्डवेयर की। और दोस्तों आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा, जो सेल्फी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा है आपके लिए। दूसरा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर और ड्यूल आई व्यू डिस्प्ले, जो आप देख सकते हैं पंच होल कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर बैक बात साइड में करें अगर दोस्तों बैक बैक कैमरा सेटअप की, तो आपको देखने को मिल जाता है क्वाड कोर कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ। और यहाँ पे फ्लैश भी दिया हुआ है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसकी बात करते हैं अभी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको फुल HD आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं देखने में मोबाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो ये बेस्ड है फन टच OS के ऊपर, जो वीवो का खुद का UI है। और यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह फन टच OS 10 के ऊपर बेस्ड है। और प्रोसेसर का आप देख सकते हैं 2.3 GHz स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 8GB 128GB फोन स्टोरेज के साथ। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड आता है 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे Android 10 है हमारे पास, Android 10 के ऊपर ये मोबाइल बेस्ड है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमें बैटरी देखने को मिलती है, वो बैटरी देखने को मिलती है 4500 mAh की। बट ये मोबाइल सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को और आता है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखने में भी ये मोबाइल बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। दोस्तों आपको इस मोबाइल में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। जैसे ही इस मोबाइल के ऊपर आप फिंगरप्रिंट को मैं स्कैन करता हूँ, बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स करता है, तो रिस्पॉन्स टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर बात करें कैमरा की, तो आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी है।
सामने में रखा हुआ है और आप कैमरा देख सकते हैं कितना क्लियर आ रहा है। तो कैमरा वाइज ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो एक बार इस मोबाइल को जरूर ही कंसिडर कर की लुक सकते हैं। तो है। आपको मोबाइल के सामने यहाँ पे पंच होल डबल ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है। साइड में यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको पावर ऑन ऑफ का बटन और ऊपर वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है। नीचे आपको आपको स्पीकर ग्रिल और सी का टाइप का चार्जिंग सॉकेट और 3.5 mm का जैक और माइक देखने को मिल जाता है, जो ओवरऑल फ़ोन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली तो कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे कैमरा फ़ोन की तलाश में है तो इसको एक बार जरूर ही कंसिडर कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।